दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच केजरीवाल सरकार बैंकॉक से 18 टैंकर आयात करने का फैसला लिया है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार बैंकॉक से 18 टैंकर आयात करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अलॉट ऑक्सीजन को पाने में दिक्कत हो रही है, टैंकर की कमी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट कर रहे हैं, केंद्र सरकार से एयरफोर्स का प्लेन देने की मांग की जा रही। दिल्ली सरकार टैंकर की कमी को दूर करते हुए बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर इंपोर्ट कर रही है और फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट इंपोर्ट कर रही है। ये सभी रेडी टू यूज प्लांट को अलग अलग अस्पताल में लगाया जाएगा। अगले एक महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डीले हो गया था जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले एक महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है, हर अस्पताल कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, बेड भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं। तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पर विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए। केवल 3 घंटे के अंदर इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ, जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पर हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार।